नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर अवतरित हुए, जिन्होंने मानव जाति को खुश रखने का मार्ग बताया और सेवा का संदेश दिया। अनिल विज क्रिसमस के पावन अवसर पर सदर बाजार स्थित CNI चर्च और सुंदर नगर स्थित चर्च में आयोजित कार्यक्रमों के उपरांत श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। श्रद्धालुओं को क्रिसमस की हार्दिक बधाई देते हुए अनिल विज ने कहा कि आज यीशु मसीह के जन्मदिन का पवित्र दिन है। आज खुशियाँ मनाने और बांटने का, उपहार लेने और देने का, एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि समाज की ओर से मनुष्य सेवा के लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अनेकों प्रकल्प चलाए जाते हैं और जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। जब तक सभी खुश नहीं होंगे तब तक असली आनंद का आभास नहीं लिया जा सकता। खुश रहने और ईश्वर की सेवा करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ईश्वर के भेजे हुए लोगों में हम खुशियाँ बांटें। यही संदेश यीशु मसीह की ओर से इस धरती पर दिया गया। आज सारे विश्व में यह दिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज यीशु मसीह के जन्मदिन का पवित्र दिन, मैं भी आपके साथ खुशियां बांटने में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यीशु मसीह इस धरती पर अवतरित हुए, उन्होंने मानव जाति को खुश रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए मार्ग बताया और सबसे ज्यादा जो देखने में आता है कि मनुष्य की सेवा के लिए आप द्वारा ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारे विश्व में अनेकों प्रकल्प चलाए जाते हैं। जरूरतमंदों की सहायता की जाती है, क्योंकि जब तक सारे खुश नहीं होंगे तब तक असली आनंद का आभास भी किया नहीं जा सकता। खुश रहने का ये सबसे बढ़िया तरीका है और ईश्वर की सेवा करने का भी सबसे बड़ा तरीका है कि ईश्वर के भेजे हुए बंदों को अगर दुख तकलीफ है उसमें हम साथ दें, उसमें हम खुशियां बांटें। यही संदेश यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर दिया गया और आज सारे विश्व में ये दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन खुशियां मनाने का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है, उपहार लेने और देने का दिन है, एक दूसरे के साथ मिलकर इस आज के दिन को मनाने का दिन है। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे पास सुबह सारे हरियाणा से, आप जानते हैं, लोग आए होते हैं। मैंने बहुत जल्दी की कि भी मैं उनको सुनूं, क्योंकि उनको बिना सुने वापस भेजेंगे तो ये भी ठीक नहीं होगा। बड़ी बड़ी दूर से आती हैं, 200-200 किलोमीटर से आते हैं चलकर इतनी सर्दी में, तो उनको सुनने में मुझे थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन मैं इस चर्च में
जहां तक मुझे याद आता है मैं हर क्रिसमस डे को इसमें शामिल हुआ हूं। मैं इसमें जरूर आता रहा हूं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आज के इस पवित्र दिन पर आपके साथ खुशियां मनाने का भागीदार बनूं, हिस्सेदार बनूं और आपके साथ मिलकर इस फेस्टिवल को हम मनाएं। आमीन। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।